जब धूप गिरे जमीन पे तो मिट्टी में रंग भर जाए, जब चांद की रोशनी पड़े सर पे तो बिजली शर्मा जाए। जहाँ हस्ती खिलती मुस्कुराहटों से तबीयत सुधर जाए। अगर ढूंढ रहे हो तुम सुकून तो हर रास्ता तुम्हें वही ले जाए। कुछ ऐसा है मेरा गाँव, मेरी कामयाबी का रास है मेरा गाँव। हमारे बचपन तो बहुत अच्छा था, बहुत यादगार था। सुबह स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद जब दोस्तों के साथ नदी किनारे जा कर के मछली पकड़ते थे। खेल कूद के अलावा जो और एक्सरसाइज में मज़ा आने लगा मुझे तो वह है ड्राइंग। तो बच्चे में मेरा ड्राइंग का बहुत शौक था, तो स्कूल में भी ड्राइंग करता था। तो स्कूल के बाद घर में आके भी ड्राइंग बॉक्स कलर्स लेकर के ड्राइंग करके समय बिताता था। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरा गांव में रह के ही मेरा काम करने का मन था, लेकिन मेरे पसंद का काम गांव में नहीं मिला, इसलिए गुवाहाटी जाना पड़ा। गुवाहाटी में मैं एक पुराना दोस्त मिल गया, तो वो पेंटिंग के लाइन में थे, उसका साथ मैं फिर पेंटिंग का लाइन में ही जुड़ गया। और काम सीखने के लिए मुझे एशियन पेंट का कलर एकेडमी मिला, तो कलर एकेडमी में मुझे रॉयल प्ले सीखने को मिला। तो रॉयल प्ले करके बहुत फायदा भी मिला मुझे, मेरा बहुत हाथ भी साफ हुआ। ट्रेनिंग के बाद गुवाहाटी में मेरा बहुत काम मिलना शुरू हुआ था, पर शहर से मेरा मन उठ चुका था। जहाँ से मेरे पेंटिंग की कहानी शुरू हुई थी, मुझे वही लटकर अपने काम को आगे ले जाना था। तो गांव में पहले बाहर से आदमी आके काम करता था, तो मैंने सोचा कि मुझे ये बदलना है। तो मैं उस लड़का इकट्ठा करके मैं पेंटिंग के बारे में सीखा के फिर मेरा पेंटिंग का काम स्टार्ट किया। शुरू में लोगों को लगता था कि मैं अच्छा काम करने नहीं पाऊंगा, तो छोटा काम किया, छोटा काम देख के मुझे बड़ा बड़ा काम मिलना शुरू हुआ। हमारे गांव के लोगों के अलावा दूसरा गांव का भी लोग आके मेरे से ज्वाइन हो गया, ताकि वो काम सीख के अपना गांव जाके वो भी पेंटिंग का काम शुरू करे। तो अच्छा लगता है कि मैं गांव में रह के काम कर रहा हूँ, तो गांव वालों को भी मौका मिला काम करने का। परिवार भी खुश है, तो गांव में एक नई उम्मीद जगाई। मैं आज भी और दोस्तों के साथ नदी किनारे मछली पकड़ता हूँ। हमारे लाइफ अभी हंसते खेलते बिताते हैं, ऐसा उठाता है। मुझे खुशी है कि मेरा साथ साथ मेरा गांव भी मेरा साथ आगे बढ़ रहा है।